नमस्कार दोस्तों, आईपीएल शुरू होने में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी टीमों की तरफ से पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 अब हमारे सामने निकल कर आ चुका है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आईपीएल का पहला मुकाबला होगा सभी टीमों का, उसमें किस तरह का प्लेइंग 11 रहने वाला है, कौन कौन से उनकी प्लेइंग 11 में 4 विदेशी खिलाड़ी होंगे और 7 भारतीय खिलाड़ी होंगे। तो आपको वीडियो में सभी टीमों के प्लेइंग 11 की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू कर दिया है तो अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं अपना यह मजेदार वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का प्लेइंग 11 का। आपको बता दें कि हैदराबाद का पहला मुकाबला होगा 11 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। इस मुकाबले में इस टीम की प्लेइंग 11 डेविड वार्नर और रिद्धिमान साह ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर मनीष पांडे और नंबर 4 पर प्रियम गर्ग और नंबर 5 पर विजय शंकर या तो फिर अब्दुल सामद में से कोई एक होगा। इसके साथ ही लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पर मिचेल मार्स और नंबर 7 पर होंगे जेसन होल्डर। वहीं 8 नंबर पर राशिद खान, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर टी नटराजन और नंबर 11 पर जगदीश सुचित खेलते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि इस टीम में मिचेल मार्स की जगह जॉनी बेयरस्टो को जगह मिले, क्योंकि हाल फिलहाल में वह काफी खतरनाक फॉर्म में थे इंडिया और इंग्लैंड सीरीज में। इसी तरह का प्लेइंग 11 हमें हैदराबाद के पहले मैच में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरी टीम है पंजाब किंग्स के बारे में। पंजाब किंग्स का पहला मुकाबला होने वाला है 12 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। वहीं बात करें इनके ओपनर्स की तो ओपनिंग करेंगे केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, जबकि नंबर 3 पर क्रिस गेल और नंबर 4 पर निकोलस पूरन, नंबर 5 पर मनदीप सिंह या तो फिर सरफराज खान में से कोई एक खेलता हुआ दिखेगा। लोअर ऑर्डर में नंबर 6 पर इनके लिए दीपक हुड्डा और नंबर 7 पर जैन रिचर्डसन खेलते हुए दिखेंगे, जबकि इस टीम के जो टेल खिलाड़ी होंगे उनमें नंबर 8 पर मोहम्मद समी, नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, नंबर 10 पर राली मेरिडेथ और नंबर 11 पर मुरुगन अश्विन खेलते हुए दिखेंगे। और हो सकता है कि मॉइजेस हेनरिक्स को भी कुछ मैचों के बाद मौके मिले। तो इस तरह का टीम कॉम्बिनेशन के साथ पंजाब किंग्स की टीम अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का। कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ 11 अप्रैल को होगा। इस मुकाबले में इस टीम के लिए शुभमन गिल और सुनील नारायण ओपनिंग करते हुए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। आपको तो पता ही मुझे क्रिकेट देखना और वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाल ही में मुझे एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप माई 11 सर्कल के बारे में पता चला और दोस्तों आप यकीन मानिए यह एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसकी खासियत यह है कि आप इसमें चैंपियंस वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली के साथ खेल सकते हैं और इनके साथ आप हेड टू हेड भी खेल सकते हैं। माई 11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ही आसान है। इसमें दोनों टीमों से आपको 11 खिलाड़ी चुनने होते हैं और आपको अपनी टीम बनानी होती है और इस टीम से आप पैसे जीत सकते हैं। आईपीएल 21 बहुत जल्द आने वाला है और इस बार माई 11 सर्कल पर आपके पास 1 करोड़ रुपए जीतने का चांस है। यकीन करना मुश्किल है लेकिन सच है। इसके साथ यदि आप वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हरा देते हैं तो आपको आपकी जीती हुई राशि का 5 गुना एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यदि आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। और क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको उस लिंक पर जाकर ऐप डाउनलोड करने से 20% का एक्स्ट्रा डिपॉजिट कैशबैक भी मिलेगा। और माई 11 सर्कल की सबसे खास बात तो यह है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे सारे के सारे आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और यह बिल्कुल ही सुरक्षित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, कमेंट और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाएं। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। नजर आएंगे जबकि मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर नीतीश राणा, नंबर 4 पर इयान मॉर्गन, नंबर 5 पर एंड्रे रसेल, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर पवन नेगी या तो फिर करुण नायर में से कोई एक खेलते हुए दिखेगा। जबकि गेंदबाजों के रूप में नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती, नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखेंगे। और हो सकता है कि अपनी प्लेइंग 11 में थोड़ा बहुत बदलाव करके यह टीम बेन कटिंग या तो फिर साकिब अल हसन में से किसी एक ऑलराउंडर को प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर लें। हरभजन सिंह को भी यह टीम आने वाले मैचों में मौके दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि शुरुआती मैचों में हमारे बताए गए प्लेइंग 11 ही देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 की। आरसीबी की टीम अपना पहला मुकाबला 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई में खेलने वाले हैं। इस मुकाबले के लिए जो इस टीम का मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगा उसमें देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर मोहम्मद अजहरुद्दीन और चौथे नंबर पर एवी डिविलियर्स उतर सकते हैं और 5वें नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए दिख सकते हैं। यानी कि काफी स्ट्रांग इस टीम की बैटिंग लाइनअप हमें देखने को मिल रही है। नंबर 6 पर वाशिंगटन सुंदर और नंबर 7 पर डेनियल सेम्स या तो फिर डेनियल क्रिश्चियन में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। नंबर 8 पर काइल जेमिसन, नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर हर्षल पटेल या तो फिर नवदीप सैनी में से कोई एक खिलाड़ी हमें खेलते हुए दिखेगा। तो इस तरीके का प्लेइंग 11 हमें देखने को मिल सकता है बैंगलोर की टीम
का अपने पहले मुकाबले में। इसके बाद पांचवें नंबर पर बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला 9 अप्रैल को चेन्नई में बैंगलोर की टीम के खिलाफ खेलेंगे और यह मुकाबला आईपीएल का पहला मुकाबला रहेगा। इस मुकाबले में जो इस टीम की प्लेइंग 11 होगी उसमें रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक हमें ओपन करते हुए दिखेंगे। यदि क्विंटन डिकॉक उपलब्ध नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि क्रिस लिन रोहित शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव और नंबर 4 पर ईशान किशन उतर सकते हैं और नंबर 5 पर किरण पोलार्ड। लोअर ऑर्डर में फिनिशर के रूप में हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर उतरेंगे और नंबर 7 पर कृणाल पांड्या खेलते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजों की बात की जाए तो 8वें नंबर पर नैथन कुल्टर 9 खेलेंगे, नंबर 9 पर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर राहुल चहर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले मैचों में यह टीम पीयूष चावला और एडम मिलने को मौका दे तो आने वाले पहले मैच में यही प्लेइंग 11 रह सकता है। इसके बाद 6 नंबर पर बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला 12 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ होगा। इसमें इस टीम के लिए जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर संजू सैमसन, नंबर 4 पर बेन स्टॉक्स खेलते हुए दिख सकते हैं, नंबर 5 पर रियान पराग खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 6 पर राहुल तेवतिया और नंबर 7 पर शिवम दुबे खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पर क्रिस मॉरिस, नंबर 9 पर मुस्तफिजुर रहमान या तो फिर एंड्रू टाइमे से कोई एक खेलता हुआ दिखेगा, नंबर 10 पर श्रेयस गोपाल और नंबर 11 पर कार्तिक त्यागिया में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके का प्लेइंग 11 रहने वाला है बिना जोफ्रा आर्चर के राजस्थान रॉयल्स का। इसके बाद 7वें नंबर पर बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स का पहला मुकाबला 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ और शिखर धवन हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर स्टीवन स्मिथ, नंबर 4 पर ऋषभ पंत और नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस और नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलते हुए सकते हैं, नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पर कगिसो रबाड़ा, नंबर 10 पर ईशान शर्मा और नंबर 11 पर उमेश यादव हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो श्रेयस अय्यर के बिना इस तरीके का रहने वाला है प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स का। इसके बाद 8वें और आखिरी नंबर पर बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मुकाबला 10 अप्रैल को होगा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। इस मुकाबले में इस टीम के लिए मोस्ट लाइकली फैफ टू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर सुरेश रैना खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 4 पर अंबाती रायडू और नंबर 5 पर खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 6 पर सैम करन, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 8 पर ड्वेन ब्रावो, नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पर दीपक चहर और नंबर 10 पर जॉस हेजलवुड खेलते हुए दिख सकते हैं शुरुआती मैचों में। इस टीम में मोइन अली और कृष्णप्पा गौतम को हो सकता है ज्यादा मौके ना मिले। तो इस तरीके का प्लेइंग 11 इस साल के आईपीएल 2021 में हमें देखने को मिल सकता है। यह हमारी एनालिसिस थी। आपको यदि किसी टीम में किसी तरह का बदलाव होने की संभावना लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। उसके साथ ही हमें यह भी बता सकते हैं आप कि कौन से टीम की प्लेइंग 11 सबसे मजबूत है और आईपीएल का टाइटल जीत सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने आपको माई 11 सर्कल ऐप के बारे में बताया। ₹1500 कैश कमाने का मौका ना छोड़ें। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करें और एक्स्ट्रा कैश बैक भी पाएं। आईपीएल नजदीक है और हम आईपीएल से जुड़े हुए इसी तरह की वीडियोस हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ।